सो फैम ब्रो हियर इज डेजर्ट गेमिंग। तो आ चुका है एक और नए वीडियो में, और यहाँ दो बंदे उतर जाते हैं मिलिट्री बेस, और यहाँ मैं डर के सीधा चल जाती हूँ आगे वाले में। तो भाई खतरनाक ही होता है यहाँ, एकदम गलती सीन भरे हुए। भाई ये साइड जाओ तो वो साइड ऐसे ऐसे होता है, तो आगे जाके आप लोग को सब पता चल जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ उनको दरवाज़ा खुला, तो यहाँ पेन उन मिलता है। ओ भाई गन मिल गया, डाचो। भाई क्यों नहीं उठा पा रहा भाई, पिंग तो सही दे रहा है तभी भी नहीं उठा पा रहा, नहीं पता क्यों। तो लेवल 3 का बैकपैक, लेवल 2 का वेस्ट, तो खतरनाक ही लूट मिल रहा है इधर। तो थोमी गन मिल गया, छोमी गन, तो थोमी बोलते आगे गेट खुल जा। यहाँ पिस्टल है P29, जो भी 9 है। यहाँ एयर का सप्रेसर था तो मैं सोचा नहीं उठाता, और यहाँ DP, ओ भाई खतरनाक ही मिला। तो चलो ऊपर बंदे लपेटने, यहाँ तो बंदे नहीं रहते पर आगे रहते हैं। ओ या तो चलो भाई तो यहाँ UMP रहती, तो UMP अच्छे से एकदम दौड़ा के उठा लेते हैं। तो यहाँ एकदम ठीक ही लूट मिल जाता है यहाँ। तो हम लोग यहाँ ब्रिज कैंप भी देखने मिलेगा आपको गलती सीन के साथ। तो यहाँ भाई गोली बारूद, तो लड्डू मिल गया यहाँ एक। तो चलो भाई साहब, तो यहाँ कह रहे थे VSS नहीं चाहिए ब्रो, DP तो मिला है, DP गन है। तो बंदे वो साइड रहते तो मुझे समझ ही नहीं आता बंदे किधर है। तो मैं सीधा चल जाता हूँ ऑफिस के साइड में। तो पहले ऊपर चढ़ा जा। तो यहाँ भाई ये क्या AK-98, मैं सोचता हूँ ले लो, पर कोई स्कोप नहीं रहता तो क्या करूँगा लेके, बेकार हो जाएगा AK-98। DP फेंक देंगे, और अभी तो यहाँ बंदे बाकी है लपेटना सबको। तो अभी एक सब ऑटो गन ही रखना होगा। तो मैं यहाँ से देखता हूँ बंदे हैं कहाँ, और यहाँ तो बंदे यहाँ नहीं रहते, तो मैं इधर सीधा ऑफिस पे चल जाता हूँ लूट करने अच्छी वाली। और ऑफिस में तो आपको पता ही है भाई, चार मतलब गजब ही लूट मिल जाता है ये ऑफिस में, और वो साइड बड़े ऑफिस के साइड तो गलती लूट मिलता है उधर ही। तो यहाँ तो अच्छी लूट मिल रहा है हमको, तो यहाँ स्कारल रहता है। ओ भाई UMP को फेंका, निकला पहली फुर्सत से UMP। भाई UMP भी बहुत अच्छी गन है। ओ भाई फ्लेयर, नचो। तो मैं पूछता चला दूँ क्या, यही तो सबको बोलते चला दो, सीधा टान दो आसमान पे, और ये टान दिया। और मैं मुझे डर लगता है कि ये ऑफिस के ऊपर ना चढ़ जाए, फिर मैं सोचता तो मुझे तो पता ही है कि कैसे चढ़ा जाता है ऊपर ऑफिस के ऊपर, तो बहुत ही आसान है ये। अगर आपको पता चाहिए कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक तो कमेंट में लिख दीजिएगा, कैसे भी करके कुछ भी खोज लूँगा और क्या। तो छोड़ो, यहाँ AKM की MO रहती है, तो आराम से मार्क भी कर देता हूँ, उठा भी लेता हूँ आराम से एकदम गलती सीन के साथ। तो यहाँ भाई ले लो जल्दी M4 मिल जा। तो यहाँ तो M4 नहीं मिलता, पर आराम से ही यहाँ लूटते हैं हम। तो भाई अखिलेश भैया बोलते हैं कि मुझे ओम चाहिए, तो मैं सोचता हूँ ठीक है ले लो, आज ऑटो गन चलाएंगे उतना। भाई अभी किल का KD-OD सब नीचे गिर गया, और M4 या नाचो। अरे ठीक है, नाचना बंद करो। अब यहाँ मैं बोल देता हूँ यहाँ स्कारल भाई MO उठा दो सब एकदम। तो अखिलेश बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ सुपरमैन बन के। तो चलो यहाँ प्लेयर है, गिर जाओ। मुझे डर लगता है कि वो साइड के ऑफिस से बंदा स्प्रे मारना मारे कुछ कोई भी गन का, तो एकदम फट फूट जाएगा, हम लोग कपड़ा उपड़ा फाड़ देगा ऐसा। तो खैर, तो यहाँ तो हम लोग ड्रॉप गिर रहा है। चलो ड्रॉप। अच्छा आ गया ड्रॉप। तो इसमें रहती है ग्रोजा, तो नचो। तो यहाँ ग्रोजा रहती, तो मैं बोलता आप MK-14 ले लो, MK-14 आप ले लो। तो बोलते ठीक है मैं ले लेता MK-14। तो यहाँ वो MK-14 उठा लेते हैं, तो हम चल जाते हैं। मुझे लगता है कि एकदम गलती सीन होता है नंबर 3 के साथ, वहाँ से फायर भी आ रहा होता है और वहाँ से उसको डैमेज भी पड़ता है, नहीं पता होता क्या है। और उधर से मतलब यहाँ मैं बोल देता हूँ यहाँ से एमओ उठा लो आप, पहले बैक है। तो मैं बोलता हूँ मैं आगे जाऊँ नंबर 3 के साथ, वहाँ बंदे है। तो मैं अंदर मतलब यहाँ झाड़ी झूड़ी से जाता हूँ एडजस्ट करके। तो यहाँ मैं सीधा इसके वहाँ से, इसके कौन मारा नहीं समझ आता, पर अचानक से ये देखो गलती सीन होता है।
ओ भाई नंबर टू का हेल्थ कम हो गया, कैसे? नहीं भाई क्यों, तो यहाँ एक बॉट आ जाता तो इसको लपेट लो अचानक से, और ये नंबर टू नॉक हो जाता। भाई क्या होता है उसको, भाई फायर इधर से आया, नॉक वो हुआ कि भाई क्यों गलत था भाई, ये चीटिंग है, चीटिंग चीटिंग। तो हम लोग चल जाते हैं उधर बंदे तलाशने, तो मुझे तो फ्लेयर मिल जाती तो चला अच्छे से लूट हो जाता मेरा। तो हम लोग यहाँ कंटेनर वाली जगह में आ जाते हैं, चलो क्या बोलना था, हाँ अंदर चलते हैं कंटेनर के। यहाँ से मैं देखता हूँ कि बंदा वहाँ भाग रहा है, पकड़ा उसके, तो वो छोटा वाले ऑफिस में रहता आगे के, तो इन तो मैं बोलता, वो बोलते कहाँ बंदा, तो मैं बोलता आगे ऑफिस में बांध दी है। तो चल यहाँ से, तो मैं सोच रहा हूँ ये साइड से जाऊँ, पर मैं सोचता सीधा घुस जाऊँगा बिना कोई टेंशन के, कोई टेंशन वेंशन को नंबर से, तो सीधा घुस ही गया, एक थोड़ा सा वेट नहीं किया। तो हम थोड़ा सा वेट कर लिए, थोड़ा पोजीशन वोजीशन देख लिए कहाँ है बंदा, और ये नंबर थ्री को दिख गया बंदा, और वो जा रहा है बंदे को मारने, तो मैं भी सीधा घुस जाता हूँ और नंबर थ्री के साथ गलती सीन हो जाता है। और मुझे तो फुटस्टेप्स आ गए, तो मुझे पता चल गया कि अंदर ही बंदा, तो और मैं सीधा घुस जाता हूँ, आ जा बंदा जिसके दमे आ जा आ जा, और ये नंबर थ्री को नॉक कर दिया। ओ भाई गलती सीन हो गया, ओ भाई लग जा तेरे का, कहाँ कितना जिगल करेगा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई कहाँ भाग गया, अरे कहाँ भागा कहाँ भागा कहाँ भागा, और ये नॉक हो गया बंदा, इसको ख़त्म करो, पेटी बना दो इसका। और ये भाई ओ भाई ओ भाई एक और बंदा है, ओ बचाओ, और इसको तो ख़त्म करने वाला था भाई, गलती डैमेज दिए थे भाई यार, ये किल चोरी हो गया यार, गलती हो गया, तो छोड़े इसके रिवाइव देते इसको। हाँ 7 6 5 4 3 2 1 और डांस करो डांस करो, डिस्को डिस्को डिस्को, रिवाइव हो गया। चलो इन लोग के पास तो अच्छी सी लूची है, अच्छी है भाई, M4 शॉट गन लेके आ गया था, तो इन लोग के पास लूट रहती है अच्छी वाली, तो मैं आराम से यहाँ से लूट कर लेता हूँ। मैं ये ग्रो 7 की एमो इन लोग के पास बहुत कमी होती है, या कोई उठा लेता है बदमाश लोग। तो छोड़ो यहाँ किसका पेटी बना था, तो चलो यहाँ, तो हम लोग आगे चल जाते हैं गाड़ी लेने बंदे को मारने, उधर चलो ब्रिज कैंप करेंगे, वहाँ फ्लेयर चला रहता है, तो हम लोग सीधा चल जाते हैं मारने बंदे को। तो ये देख, मैं सोचता हूँ भाई पेटी, ओ भाई चल बंदे वहाँ फ्लेयर चलाए, तो मैं सोचता सीधा चल जाएंगे वहाँ बंदे को मारने। तो मैं गाड़ी ढूंढता, और यहाँ गाड़ी है UAZ, तो यहाँ UAZ होता है, तो मैं उठा लेता हूँ एकदम, और सीधा चल जाता हूँ ब्रिज कैंप करने। वहाँ सोचता हूँ कि फ्लेयर चलाओगे, जब तक जानता हूँ तो फ्लेयर लूट रहता है, तो ब्रिज कैंप करने जाता हूँ। और ये हम लोग का समय आ गया है टेलीपोर्ट करने का, और ये टेलीपोर्ट हो गए, और यहाँ ब्रिज पे आ गए हम सीधा टेलीपोर्ट करके। अब यहाँ मेरे पीछे तो ये गाड़ी है, ये टेलीपोर्ट वाले बंदे नंबर 4 अखिलेश भैया, तो हम लोग यहाँ सोचते कि यहाँ लगा देंगे उन पर। मैं सोचता ये गाड़ी, एक गाड़ी बचा के रखना होगा हम लोग को, तो यहाँ मैं सोचता हूँ इसको यहाँ बचा के रख लूँ, इधर घुमा, और ये भाई तो बहुत गलती होता है ये साइड, तो यहाँ गाड़ी रख लेता हूँ, पर नंबर 3 को अच्छा नहीं लगता, वो बोलता है भाई दोनों गाड़ी लगाओ, जो होगा सो होगा। तो मैं इसको थोड़ा उधर लगा देता हूँ ताकि उधर से ना निकले, बीच ही में घुसा देंगे। और ये नंबर 3 कहाँ घुसा दिया गाड़ी, क्या ही कर रहा है भाई, मैं बोला मत लगा मत लगा, तो ये सुनता नहीं है, तो ये अपनी धुन में चलता है। तो ठीक है भाई लगा लो, ब्रिज कम करना तो करना ही होगा, तो इसको थोड़ा पीछे कर लो, वहाँ से कोई गाड़ी निकल नहीं पाएगा। हाँ भाई हाँ हाँ, अरे अरे आगे 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 थोड़ा आगे थोड़ा आगे, हाँ निकल गया ये बंदा, थोड़ा सा हाँ बस, अब किसी कोई भी नहीं निकल सकता। और मैं सोचता अखिलेश भैया कहाँ गए, और ये सीधे ऊपर चढ़ गए, ये सीधा ऊपर चढ़ गए। मैं भी सोचता ऊपर चढ़ूँ, पर वो बोलते कि तू 2 जन नीचे रहो, तो मैं यहाँ सीधा लेट जाता हूँ। और ये बंदे, और मैं सोचता हूँ कि वहाँ लेफ्ट साइड में जाके ना एक जैसे ये रहता है ना, बहुत जन यहाँ से लेटा रहता है, तो मैं सोचता यहाँ लेट जाऊँ, और ये गलत सीन हो गया देखो। और ये भाई अब जैसे मैं गिरता हूँ वहाँ से बंदे आ जाते हैं, भाई गलती सीन हो गया। तो भाई और ये तो मिलिट्री का ब्रिज नहीं है जो यहीं से उठ जाऊँ,
तो यहाँ नो का ब्रिज है तो चारों तरफ पहाड़ी रहेगा। बाद में कैसे भी करके उठ जाता हूँ यूँ। तो भाई तैरते रहो तैरते रहो तैरते रहो तैरते रहो तैरते रहो तैरते रहो तैरते तैरते। तो यहाँ हम लोग तैरते एकदम रहते, और वहाँ अखिलेश भैया बोल देते आ बंदा आ गया, और वह भी वही खतरनाक ही बंदा मारता है। तो वो दोनों भी गलत सीन से नीचे उतर जाते हैं। तो अभी तो नहीं पर कूदेंगे, बस आप देखना। और मैं यहाँ सोचता हूँ भाई कैसे चढ़ूँ ऊपर, कोई जगह ही नहीं मिल रहा चढ़ने का। तो कैसे भी करके हम ऊपर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ से तो अभी नहीं चढ़ पाऊँगा, आगे जाता हूँ और यहाँ से देखता हूँ। यहाँ से भी नहीं चढ़ पाऊँगा, ना 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 ना, यहाँ से भी नहीं चढ़ पाऊँगा। तो यहाँ से चढ़ जाऊँगा, ना यहाँ से भी नहीं चढ़ पाऊँगा। भाई क्यों, एक जगह से तो चढ़ा दो। तो यहाँ से भी नहीं चढ़ पाऊँगा, यहाँ थोड़ा और नीचे होता ना तो पक्का चढ़ जाते। तो आगे ही एक रहता है यहाँ पत्थर, और आगे एकदम जैसे मिट्टी जैसे रहता है ना जैसे चढ़ने का, तो वैसा रहता है। तो हम लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं चढ़ने के लिए। और उन लोग के पास तो बंदे आ ही जाते हैं, तो खतरनाक ही हो जाता है। तो यहाँ सीढ़ी से चढ़ते जाओ, चढ़ते रहा, और वहाँ बंदे आ जाते। मैं सोचा सीधा और अखिलेश भैया नीचे कूद गया, नहीं नंबर 3 नीचे कूदा, और फिर अचानक से अखिलेश भैया भी नीचे कूद ही जाएंगे गलत सीन से। तो मैं सोचा उन लोग के ऊपर रश मार दूँ, पर थोड़ा वेट करके जाऊँगा। और वो तो नीचे कूद गए ना इसलिए रश नहीं मार रहा। तो मैं इसके पीछे देख रहा था कुछ हो जाएगा अच्छा। और यहाँ स्मोक रहता है एक ठो, तो मैं इसके गाड़ी के पीछे लेट जाता हूँ, डासिया के पीछे। और जैसे इन दोनों को फिनिश करोगे ना, पीछे से इन दोनों के बंदे आ जाते हैं लास्ट में। तो पहले मैं बोलता हूँ कि भाई आ जाओ ऊपर, हमको बड़े डर लग रहा है। तो वो बंदा तो भाई स्प्रे मारते ही रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से आगे थोड़ा जाऊँगा, बंदे कहाँ, यहाँ से नेड़ उड़ फेंकूँगा थोड़ा। तो जैसे आगे जाता और बंदा दिख ही जाता है हमको, यहाँ लेटता हूँ और बंदा देखो कहाँ आता है। ये बंदा तो इधर ही आ जाता है, और वो देखो बंदा, वो भाई कौन से ही बंदे थे। तो खैर वो छोड़ो, मैं इसके पीछे टीपी पी लेता हूँ। तो और देखो बंदे, बंदा दिख जा, और ये हमको मेरे पे स्प्रे मारता, और ये भाई खतरनाक। तो वो भाई आगे आ जाता भागते भागते, तो मैं सीधा पीछे जाता, तुम आगे हम पीछे जाएंगे। तो मैं ये डासिया के पीछे छुप जाता और वहाँ से स्प्रे मारते रहता है। तो भाई वो तो नेट भी फेंका था, छोड़ो सही समय पर निकल गया वहाँ से। और भाई ये तो भाई खतरनाक ही भाई। वो बोलते हैं मार्क करो कहाँ है बंदा। भाई मार्क कैसे करें, जैसे मार्क करूँगा वो मार देगा हमको, थोड़ा सा भी पिक करूँगा। तो सोचता हूँ जल्दी से मार्क कर देता हूँ, और भाई जैसे मुंडे निकाला ये लोग मार रहे। और भाई देखो इन लोगों का स्प्रे, देखो स्प्रे देखना। जैसे मैं थोड़ा सा उठूँगा देखूँगा, टीपीपी थोड़ा लूँगा, और ये भाई नंबर 3 खतरनाक ही मारा। और जैसे थोड़ा सा उठा और ये लोग मारने लगा। ओ भाई भागो पीछे भागो पीछे पीछे भागो। तो जैसे मैं पीछे भागता हूँ फॉल बैक करता हूँ, वो लोग रश मार देते। मैं बोला जल्दी आओ भाई, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो वो तो भाई पॉसिबल नहीं है ऊपर आना, अब आएंगे तो पेटी ऊटी बन जाएगा। तो पहले मैं ये वाला के फिनिश करता हूँ, मारता हूँ भाई। खतरनाक ही ऊपर में भागना गलत होता है। तो वो बोलते मैं आगे आ जा। तो मैं सोचता ये वो है, तो मुझे समझ ही नहीं आता होता क्या। तो इसको आराम से लपेट देता हूँ, मतलब हमको लगा कि अखिलेश भी आ गए ऊपर। तो मतलब वो बोला मैं आ रहा, रुक जा। तो वो बोला आ ही गया बस, आ ही गया बस, मतलब हमको लगा आ गए वो। तो जैसे पहले इसको फिनिश कर देते, और पीछे से भाई स्प्रे मारता है, भाई गलती मारता है ये। तो वो लोग दोनों भी ऊपर आ जाते हैं, और नंबर 3 लेफ्ट से फ्लैंक मार देता है। साथी दिमाग वाला है पर कोई काम नहीं होता उससे। तो ड्रिंक ड्रुंक पी लो, और ये अखिलेश भैया को नॉक कर दिया। भाई कहाँ काहे काहे नौ किया। तो बोलते जल्दी से गाड़ी फोड़ो और मुझे पीछे आ जाओ कवर देना। तो मैं यहाँ से गाड़ी फोड़ता हूँ, तो उन्हें कुछ होता नहीं। और ये बोलते जल्दी आओ, तो मैं स्मोक करने जाता हूँ, पर जल्दी स्मोक खुलता भी नहीं है। तो यहाँ से जल्दी स्मोक करो, और ये करो स्मोक, और ये जल्दी रिवाइव दो, वो लोग रश मार रहे। तो मैं तो फॉल बैक करना चाहता था, पर ठीक है ये नौक हो, इनको रिवाइव देना ही होगा। तो यहाँ स्मोक भी हो गया, एडजस्ट हो जाएंगे आप थोड़ा। और ये एम4 ग्रोजा व्रोजा निकालो, एम4 ऊपर निकालो, रिलोड मारो। और मैं सोचता हूँ इधर उस सांप बन जाता हूँ, और भाई बंदा देख लेता, फिर से अखिलेश भैया नॉक हो जाते। और यहाँ ग्रेनेड आता है, तो मैं यहाँ हील मारता हूँ और बंदा मुझे मार देता है। भाई खतरनाक ही मार देता है यार, गलत ही हो जाता है भाई। क्यों इतना अच्छा दो बंदा को मार ही दिया था, ये भी लोग पीछे से आ गए। भाई थर्ड पार्टी या उन लोग का स्क्वाड का बंदा था, नहीं समझ आया। तो भाई मत मार प्लीज़, मार दिया।
यार क्यों नहीं भाई, क्यों। ठीक है भाई, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, नंबर 3 भी मर गया, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और सब कुछ कर देना। थैंक यू ये।